मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों में चर्चा करने के लिए आया हूँ लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर। दोस्तों आपको मालूम ही है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में मुख्य रूप से दो तरह की लाइफ सर्टिफिकेट होती है, एक जन्म प्रमाण पत्र का और दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र का। ये दोनों व्यक्ति के जीवन और मृत्यु से संबंधित सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि कोई भी बच्चा और बच्चे अगर नए जन्म ले रही हैं तो उनके लिए उनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी करी जाती है। और दूसरी सर्टिफिकेट होती है दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी करी जाती है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा की जाती है। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर। अगर आप जीवित हैं और आपको अपने आप को जीवित होने का प्रमाण देना है तो वो सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे? दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर के द्वारा पूछा गया था और उन इन्वेस्टर की आज्ञा पे ये मैं ऑडियो संदेश आपके लिए वीडियो के रूप में लेके आया हूं। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपने कोई भी पेंशन पॉलिसी लिया है तो पेंशन पॉलिसी लेने के बाद आपको कुछ पॉलिसी में 3 साल के बाद और कुछ पॉलिसी में 5 साल के बाद में आपको जीवित रहने का प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दोस्तों ये प्रमाण पत्र मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम या कंसर्न लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ब्रांच के द्वारा आपको प्रोवाइड करी जाएगी और उस प्रमाण पत्र को सत्यापित करते हुए आपको कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी को जमा करना होगा, जहां से आपका निरंतर पेंशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने बीमा धारकों के लिए एक आधार बेस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन शुरू किया है, जो इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मित्रों ये एप्लीकेशन का नाम है जीवन साक्ष्य मोबाइल ऐप, और ये मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे आए और वहां पे जीवन साक्ष्य मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। जैसे ही वो मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में आपको उसमें अपना आधार कार्ड नंबर और पेंशन पॉलिसी डिटेल्स, जिस पॉलिसी से आपको पेंशन आ रही है उस पॉलिसी का डिटेल्स उसमें सबमिट करना है। थर्ड स्टेप में दोस्तों कैप्चर सेल्फी करना है, आपको अपने मोबाइल से एक सेल्फी लेना है और सेल्फी लेकर के आपको उसके अंदर लोड कर देना है, और उस इमेज को लोड करने के बाद में डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट आपको अपडेट हो जाएगी। और जैसे ही वो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाती है, स्टेप When applying through a facilitator, जैसे ही वो सर्टिफिकेट आपको अपडेट आपके एप्लीकेशन में हो जाएगी, उस सर्टिफिकेट को आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा। उसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक आपको मोबाइल के द्वारा ओटीपी आएगा, और ओटीपी दे करके आपका मोबाइल नंबर अगर आपके पेंशन अकाउंट में सबमिट है तो वहां से आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आप जीवित हैं, आप लाइव हैं और आपने ही इस सर्टिफिकेट तैयार करी है। और उस सबमिट करने के बाद में यूनिटेंट पेंशनर का फोटोग्राफ के साथ में वहां पे जमा हो जाएगा, और इसके बाद आपको हर 3 या 5 साल के बाद में यह प्रक्रिया दोहरानी होगी। दोस्तों इसमें फिजिकल प्रेजेंस नहीं के बराबर होगा, और ये एक बीमा धारक खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग बीमा धारक हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मित्रों एक यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होती थी कि भारतीय जीवन बीमा निगम पूरे भारत में 8 जोन में विभाजित करी गई है, तो एक जोन का लाइव सर्टिफिकेट दूसरे जोन में वायलेट नहीं होती थी, लेकिन इस मोबाइल ऐप के द्वारा ये सब दूरियां खत्म हो गई है, ये सब मजबूरियां
समाप्त हो गई है। तो दोस्तों आप भी अपने आप को अपडेट करें और मोबाइल ऐप और वेब ऐप के द्वारा जुड़ जाएं। मित्रों अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप अपने नाम, अपना शहर का नाम और अपना पैन कार्ड की कॉपी या पैन कार्ड नंबर आप मुझे भेजें। हमारे टीम के द्वारा आपको कॉल करके पूरी और संपूर्ण जानकारी देख करके आपको गाइड करी जाएगी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपके हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर पथरीली रास्तों पे आपको हमारे टीम की मदद मिलती रहेगी। इन्हीं बातों के साथ में आपका ए मित्र आपसे आज्ञा लेता है और प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा दें जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके, जिससे कि आपका ज्ञान, आपका नॉलेज दिन दुना रात चौगुना की प्रगति कर सके। इन्हीं प्रार्थना के साथ आपका मित्र आपसे आज्ञा लेता है। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।